हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस क्यूट से खासे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो मतलब आज भी ठंडी है, कुहासा नहीं है पर ठंडी है बहुत ज़्यादा और हवा भी चल रही है। और अभी सुबह का समय है तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और देखो मैं जा रही हूँ, अभी रेडी होने, मुँह हाथ धो के आई हूँ और दीदी खाना बना रही है और मैं रेडी होकर जल्दी जल्दी शूट करूँगी। मतलब बिल्कुल भी सूट करने का मन नहीं करता, इतना ठंडी लगता है ना। पूरा कपड़ा स्वेटर पहन के सूट नहीं करना पड़ता है, मतलब रोज रोज स्वेटर पहन के कितना वीडियो सूट होगा। तो स्वेटर खोल के और दूसरा ड्रेस जो है सॉन्ग के हिसाब से पहनना पड़ता है और उस एक दो घंटा मतलब कभी कभी तीन घंटा भी लग जाता है क्योंकि यूट्यूब और इंस्टाग्राम मैं दोनों एक ही साथ बनाती हूँ लगातार। तो इसीलिए तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मेरी दीदी खाना बना रही है और हमारे घर पे खाने में बन रहा है आलू, चना और सोयाबीन। फिर से सोयाबीन, लेकिन थोड़ा सोयाबीन हमारा फेवरेट है और प्रोटीन भी है। तो देखो दीदी खाना बना रही है और इसी में से थोड़ा सा चना बचा के दीदी ने घुघनी बनाया है, घुघनी भुजा है, आप लोग प्लेट में देख सकते हैं। तो मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। जो नाश्ता है हमारा वो तैयार हो गया है इसी में। और ये देखो मैंने कुरकुरा खाया है। पता है आजकल खाने पे बहुत ज्यादा ध्यान है हमारा क्योंकि इतनी ज्यादा कमजोरी हो गई है शूट करते करते। मैं 1 बजे खाना खाती हूँ, 12 बजे खाना खाती हूँ। देखो मेरे लिए घुघनी निकाल रही है दीदी। बताना कमेंट में कौन कौन ऐसा करता है मतलब काम में फंस के और 12 बजे कौन खाना खाता है। एक दिन हम कितना बजे खाए थे दीदी? 12 जनवरी को। देखो जिस जिसको खाना है ना आ जाओ जल्दी जल्दी। बहुत ही टेस्टी बना है ये जो हमारा नाश्ता है। 2 रोटी लिया है मैंने खा के, उसके बाद रेडी होके शूट करूंगी, ठीक है? और कितना बजे मैं खाना खाई थी? 2 बजे। देखो सुबह का कुछ भी नहीं खाई थी, 2 बजे शूट हुआ मेरा फाइनल, उसके बाद मैंने खाना खाया। इतनी ज्यादा ठंडी थी ना, हाथ का कोई भी स्टेप ठीक से मैं नहीं कर पा रही थी, इसीलिए लेट हो रहा था। और बहुत सारे लोग हैं मतलब जैसे भी बन जाते एक दो बार भी लोग डाल देते, मैं डालती ही नहीं हूँ, मेरा मन ही नहीं करता है डालने का। बनाती जाती हूँ। दीदी बोलती है जब थक जाती है, हार जाती है, तब बोलती है कि दीदी आप सेलेक्ट करो और डाल दो। तो आगे तक बने रहो ब्लॉग में। और अभी नहीं ली है खाना? लेंगे, थोड़ा मसाला सब डालेंगे। अच्छा, और ये देखो खाना देखो कितना सारा प्याज डाली है दीदी। तो खा लो आप सभी। अरे हरी मिर्च बता कमेंट में किस किस को खाने के साथ जो है हरा मिर्च बहुत ज्यादा पसंद है। और हम लोग खाते हैं। और ये देखो ये क्या खरीद के आया था, फिंगर्स कुरकुरा, तो उसमें ये पड़ा है कुमार टोमेटो केचप। एक ये मेरे में 2 पड़ा था और ये मैंने खा लिया। तो आगे तक बने रहो, जल्दी जल्दी मैं नाश्ता करके रेडी हो जाती हूँ क्योंकि कल 26 जनवरी है तो कुछ स्पेशल बनाना है, ठीक है? तो आगे तक बने रहो। तो फ्रेंड्स मैंने नाश्ता कर लिया है, अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, ठीक है? तो आप लोग देख सकते हो मैं अपना ड्रेस दिखा देती हूँ जो कि मैं पहनने वाली हूँ आज। ये देखो व्हाइट कुर्ती है मेरा, ये मैं पहनने वाली हूँ। उसके नीचे ये जो लॉन्ग स्कर्ट है उसको मैं पहनने वाली हूँ और एक तिरंगा वाला मतलब मेरे पास दुपट्टा है जो कि मैंने पिछले साल 23 में खरीदा था, तो वही दुपट्टा मैंने रख लिया था एकदम अच्छे से कि हर साल काम आएगा, तो उसको मैं लेने वाली हूँ। तो फाइनल लुक देखने के लिए आप लोग आगे तक बने रहो, बहुत ही अच्छा मतलब रील बनाऊंगी मैं और आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत स्टेप भी शेयर करूंगी और जो भी मेरा लुक होगा मेकअप होगा वो सारे का सारा मतलब मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ। और इधर देखो ये मेकअप का सामान है मेरा। तो जा रही हूँ रेडी होने ब्लॉग में, आगे तक बने रहो। तो फ्रेंड्स मैंने शूट कर लिया है और ये देखो मेरा मेकअप। बताना कमेंट में कि मैं कैसे लग रही हूँ। और ड्रेस तो मैंने दिखाया, मैं फुल ड्रेस भी दिखा देती हूँ। तो देखो मेरा मेकअप कितना अच्छा टीका किया है ये।
तो बताना कमेंट में, ठीक है, कि मैं कैसी लग रही हूँ। और एडवांस में हैप्पी रिपब्लिक डे। कल है लेकिन आज ही मैंने शूट कर लिया। कारण ये है शूट करने का कि बहुत ज्यादा ठंड है, सुबह में शूट नहीं हो पा रही है, हाथ पर काम नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा ठंड है। तो जिस वजह से मैंने सोचा कि आज मैंने जल्दी जल्दी मतलब एक शूट करके मैंने डाल दिया, उसके बाद फिर से रेडी होके ये कल के लिए मैंने शूट किया कि अच्छे से शूट हो जाएगा। और देखो आज धूप भी निकला है थोड़ी बहुत, मेरा भाई सोया भी है धूप में, देखो कितना अच्छा धूप निकला है आज। तो मैंने सोचा कि मैं आज ही शूट कर लेती हूँ, कल पता क्या पता मतलब धूप निकले ना निकले, मौसम कैसा हो, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है और ठंड में मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है शूट करना। तो आप लोग सपोर्ट करो, अपना ढेर सारा प्यार दो, और अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मतलब बढ़ ही नहीं रहा है, क्या बताएं, मेहनत मेरी अब बहुत ज़्यादा मैंने बढ़ा दिया है। पहले भी मैं मेहनत करती थी लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, बहुत ज़्यादा गम सोच सोच के मैं वीडियो बनाती हूँ एकदम अच्छे से, फिर भी इतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरी मेहनत को समझिए। और ये देखो मेरे घर पे अभी चावल बन रहा है, दीदी चावल बना रही हैं। और मुझे बहुत तेज प्यास लगा था, सुबह में नाश्ता करके मैंने शूट किया है और अभी चावल बन रहा है, सब्जी बन गया है सुबह का ही, तो अभी चावल बन रहा है तो हम लोग चावल सब्जी अभी अभी खाएंगे। सुबह में हम तीनों मतलब ये नाश्ता ही किए थे, रोटी और घुघनी, तो वही नाश्ता करके मैं शूट कर रही थी और दीदी अभी आके चावल बना रही हैं। तो आप लोग देख सकते हो कितना लेट हो जाता है शूट करते करते, और भूखे भूखे मैं शूट करती हूँ, 12 बजे 2 बजे मैं खाना खाती हूँ हमेशा, बांध भी जाता है तो मैं नहीं खाती हूँ, शूट करके ही खाती हूँ। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इतना सपोर्ट इतना प्यार के लिए। अपना साथ प्यार आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना और खूब वायरल करो मेरी वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। फिलहाल मैं जा रही हूँ खाना खाने, और जाते जाते मैं दिखा देती हूँ पूरा लुक छुटकी। तो आप लोग मेरा लुक देख लो, कल रिपब्लिक डे है तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ही बना लेती हूँ। तो पूरा फाइनल लुक देख लो मेरा, कैसे मैं रेडी हुई हूँ, मेकअप वगैरह पूरा, और ड्रेस, ऐसा ड्रेस मैं पहनती नहीं हूँ लेकिन पहली बार ये पहना है अपने कुर्ती पे, मेरे व्हाइट कुर्ती को देखो। तो फ्रेंड्स प्लीज सपोर्ट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। थोड़ा सा फेस दिखा दो अच्छे से, इधर देखो गुंजा। मैं बनाऊ चाहे ना बनाऊ, उस सॉन्ग को मैं बनाती थी वो नहीं, मतलब बहुत पहले बनाया था मैंने, लेकिन आजकल लोग बोलते हैं गुंजा, गुंजा की तरह लग रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन थैंक यू सो मच। पता नहीं क्यों लगती हो गुंजा की तरह। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मैं उनकी तरह लगती हूँ, क्योंकि वो तो मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।